दरअसल बिग बॉस 15 का थीम बहुत अलग है, बहुत डरावना है अगर मैं कहूँ तो, और उस डरावना जो संकट जो वर्ड है उसको क्रिएट करने वाले मेरे साथ हैं। हेलो एंड वेलकम। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एंड ये बताइए कितना बड़ा संकट आप क्रिएट करने वाले हैं। पूरी हर जगह चर्चा है कि संकट इन जंगल फैलाएगा दंगल पे दंगल, और मुझे लगता है कि आप ही ये सब क्रिएट कर रहे हैं। जंगल एक थीम ही ऐसा है कि यू नो डरावना लगता है। ओके, उसको हमने थोड़ा प्रिटी भी कर दिया है, लेकिन जब लाइट्स चेंज होगी, यू नो ड्रामा जब आएगा तब मजा आएगा, तब संकट आएगा आपके ऊपर। लेकिन हाँ, बैठने के लिए हमने सुविधा ऐसी दी है कि आप बैठोगे तो भी दुखेगा बैक, बैक रेस्ट नहीं है, तो उस तरह के संकट है हमने अपने हिसाब से डिजाइनिंग दी है। और बाकी तो बिग बॉस करेगा ही, एंड विश्व सुंदरी है ही, तो वो जो चैलेंज देंगे वो अलग ही होने वाला। बट ये जो ब्राइट लाइट सब कुछ करें, मुझे थोड़ा सा रोमांटिक भी लग रहा है। रोमांटिक हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ आते हैं तो आप 3 महीने अटके हो या जो भी है, तो रोमांस तो आने ही वाला है। यू नो ये कनेक्शन जुड़ता है कहीं ना कहीं तो होता है। तो हाँ, अलग अलग जगह हैं मैंने दिए हैं ताकि यहाँ वो दो अकेले ही बैठ जाएं चुपचाप से, और फिर बाद में वहाँ जाके बिचिंग भी हो जाएगी, वो सब होता ही रहता है। तो जंगल में मंगल है वो एक टर्म है, तो यहाँ यूज होने वाला है। एक बात बताइए, जो रोमांस की बात हुई है, तो जब भी बिग बॉस हाउस से जब लोग बाहर निकलते हैं तो एक कपल जरूर बनता है। अब वो सही होता है गलत, लेकिन इस बार भी देखिए राकेश और शमिता की जोड़ी काफ़ी चर्चा में है। इस बात को स्पेशली आप कितना ध्यान में रखते हैं कि जब आप डिज़ाइन करें तो कोई ऐसा कॉर्नर हो जो रोमांटिक हो? देखो, वो हम जनरली करते ही हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये बनी जाती है जोड़ी है। ओके, तो एक वो कोना है जहाँ वो कैमिलियन है, वहाँ दोनों जन बैठने वाले हैं। विश्व सुंदरी के वहाँ एक कोना है, ब्रिज के उस पार यू नो वहाँ भी जाके कोई बैठने वाले हैं। हाँ, यस, एंड कॉर्नर्स बने हुए हैं, और वो सोच के करते हैं कि यू नो कि कहाँ जहाँ हमको मैक्सिमम यू नो क्वालिटी मिलेगा एंड टॉकिंग पॉइंट मिलेगा, तो उस हिसाब से डिजाइन करते वक्त हम हमेशा सोचते हैं। कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस एरिया को अगर मैं बोलूं? आप आ गए हैं यू नो जंगल के लिविंग रूम में, मतलब ऐसा सोचोगे एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सा ट्री है और जैसे एक ह्यूज ग्रास ओपर है। इट्स क्रीपी क्रॉली, लेकिन मजा यही है कि आपको बेड्स नहीं दिखेंगे कहाँ। ओके, तो नहीं वो बेड, वो तो तख्त है, लकड़ा है, आप उसके ऊपर सो सकते हो तो सो, वरना ग्रास है। एंड जो दुविधाएं आएंगी आपकी, वो आपको तभी पता चलेगा कि अरे ये तो है ही नहीं, अरे ये तो है ही नहीं, तो उस हिसाब से बिग बॉस आपके साथ खेलेगा। मैंने अपना काम कर दिया है, लेकिन मजा यही है कि आप रात को एक नया रूप देखोगे। रात को जैसे डर लगता है, वैसे आपका ये नियोनिक जंगल बन जाएगा। तो दैट इज वेट। किचन भी जंगल में पहली बार? हाँ, किचन जैसे आप किचन कैसे होता है, आप जाते हो कैंपिंग के लिए तो वहाँ एक किचन होता है, और ऑब्वियसली हमने रखा हुआ है, इतना भी नहीं तड़ पाएंगे, लेकिन वो अब खुलेगा नहीं खुलेगा, काम करेगा नहीं काम करेगा, वो उसके ऊपर है। किसके? बिग बॉस के ऊपर।